नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कहते हैं सच्चा संत जो संकल्प लेता है उसको मूर्त रूप देता है। रघुवंश शिरोमणि कनक बिहारी दास महाराज ने संकल्प लिया था कि वह ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से विशाल यज्ञ करेंगे। उनका संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। कनक बिहारी महाराज जो पहला यज्ञ छिंदवाड़ा में, दूसरा यज्ञ गंज बासोदा में किया था, अब तीसरा यज्ञ अशोकनगर जिले के ग्राम डुगासरा में सम्पन्न करने जा रहे हैं, जो 12 कुंड का यज्ञ है। विश्व कल्याण के निमित्त ये यज्ञ हो रहा है। एक संत का संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। सच्चा संत जगत कल्याण के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तीनों यज्ञ अपने आप में इतिहास बनाने जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े यज्ञ आज तक कभी नहीं हुए। और हमारी आत्मा में से कल्पना थी, नाम तो छिंदवाड़ा में हो गया, 11वें रोज भगवान का लंगर भोजन का क्रमाकर्म हो गया जिले में। अब जो हुआ सर, ब्रह्मा जी रह गए थे तो जिस तीन टिकट जाना जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही जिले जो है लक्ष्य कर रहे हैं, निमित रहते हैं। सब भक्त लोग भी सब सहायता देते हैं, और सहायता देने के अलावा वही कार्यक्रम भी करते हैं, कराते हैं। महात्मा लोग भी आते जाते रहते हैं। आप कितने साल से महाराज जी के साथ? हम इनके साथ में 35 साल हो गए, 35 साल हो गए हमें साथ में रहने रहते हैं। और हमें उनकी रोटी मोटी बनाते, चाय पानी खिलाते पिलाते, सब लोगों की जनता की सेवा भी करते हैं। छिंदवाड़ा से 36 जोड़े राजा रानी यहाँ बैठने के लिए यजमान के रूप में आए हुए हैं, और छिंदवाड़ा के लोग जहाँ भी गुरु जी का कार्यक्रम होता है, चाहे वो विदिशा का कार्यक्रम हो 11 कुंड महायज्ञ, उसके पहले छिंदवाड़ा में भी महाराज जी ने 12 साल अखंड सीताराम नाम संकीर्तन, दिन रात 24 घंटे सीताराम धुन के साथ का कीर्तन हुआ, और उसके समापन पे 1008 कुंड का सीताराम महायज्ञ किया सन 2007 में। उसके बाद 1111 कुंडी अतिरुद्र महायज्ञ जो विदिशा के गंजवासुदा में गवाकर के पठार पर हुआ था, उसमें भी छिंदवाड़ा के लोग सहभागी थे। और चाहे वो यजमान बनने की बात हो, चाहे राजा रानी हो, चाहे से बदल के लोग, मैं स्वयं महाराज जी के आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, आश्रम के हम कर्मचारी हैं। जहाँ भी महाराज जी के कार्यक्रम होता है, सारे सेवा दल के लोग पूरा अपना तन मन धन से पूरा सहयोग करके और महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए, पूरा उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत के साथ उपस्थित रहते हैं। डुगासरा से विजय रघुवंशी विद्रोही की रिपोर्ट।